और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कानून और भी बताया, बाज लोग ऐसे थे कि दूसरों के साथ एक जगह बैठकर खाना खाना मायूस समझते थे, जैसे आज गैर मुस्लिमों के यहाँ है, उनकी थाली अलग, उनका लोटा अलग, उनका गिलास अलग, एक साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते। तो उस दौर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि तनहा खाना खाते ही नहीं थे, फाका कर लेते थे, जब तक कुछ साथ में नहीं खाता था खाना नहीं खाते थे, इतने सख्त थे। और बाद लोग अपने दोस्तों के यहाँ जाते थे तो खाना नहीं खाते थे, बताया गया दोस्तों के यहाँ जाओ फ्री हो, बाकायदा पर्दे के साथ, ये नहीं कि उसकी बीवी को देखते फिरो, और जाइए तो वहां फ्रीज वगैरह के अंदर कुछ रखा हुआ हो, फ्रीज खोल करके आप बाकायदा जो चीज खा सकते हो, इसकी इजाजत है, दोस्त है ना तुम्हारा, सदीकुम, हाँ सिर्फ उसकी बीवी को भी नहीं मानता है जी, बकिया खाने पीने की चीजें हैं आप निकाल कर खा सकते हैं। बताया गया आपस में मिल करके खा सकते हो, जमीयन अलग अलग भी खा सकते हो, और अष्टाता दोस्तों के यहां जाओ तो हिचकिचाओ नहीं, जो पेश करे खा लो, अल्लाह तबारक व तआला ने यह कानून दिया।